सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित अगरवाल और आप देख रहे हैं ड्रिंक का होलिक। दोस्तों, आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे देश के तिरंगे में तीन रंग हैं। पहला केसरी रंग, जो कि बलिदान का प्रतीक माना जाता है, सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है, और तिरंगे का तीसरा रंग यानी हरा रंग जो कि खुशियों का प्रतीक माना जाता है। और यही तीन रंग मिलकर हमारे देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं। तो चलिए आज हम इन तीन रंग से ही अपने ड्रिंक की शुरुआत करते हैं। आइए, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने मॉकटेल की। और इस मॉकटेल का नाम है तिरंगा मॉकटेल। और तिरंगा मॉकटेल स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए बॉस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी तिरंगा मॉकटेल। तो पहले हम लेंगे तिरंगा मॉकटेल के लिए कीवी क्रश, जो कि खुशहाली का रंग है यानी हरा रंग है। तो चलिए इसको हम लेते हैं ग्लास। अब हम डालेंगे इसमें क्रश आइस। और क्रश आइस के बाद डालेंगे हम लेमन जूस। तो लेमन जूस भी जा चुका है गाइस। अब हम लेंगे ग्राइंडर सफेद रंग के लिए। ग्राइंडर में डालेंगे हम पाइनएप्पल चंक, फिर हम डालेंगे इसमें एप्पल चंक्स। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम के बाद हम लेंगे इसमें हनी। हम इसमें हनी डालेंगे भाई। ओके, सो गाइस अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये हो चुका है ग्राइंड। अब हम इसको करेंगे लेयरिंग। तो सफेद रंग जा रहा है। सफेद रंग जा चुका है। तो चलिए दोस्तों अब नारंगी रंग के लिए हम लेंगे पपाया यानी पपीता। ओके, इसमें डालेंगे हम कुछ बर्फ, मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा नारंगी कलर भी तैयार है। इसकी हम तो गाइस, हमारी तीन कलर यानी तिरंगा मॉकटेल तैयार हो चुकी है और इसको बस हम करना है गार्निश। तो इसे हम गार्निश हम और छोटी छतरी। तो गाइस, हमारी तिरंगा मॉकटेल तैयार है। चीयर्स गाइस।